तलाक तलाक, ये तीन ऐसे शब्द हैं जो किसी भी मुस्लिम महिला की जिंदगी में भूचाल ला देते हैं। ये शब्द सुनने में जितने आसान और आम लगते हैं, असल जिंदगी में ये उतने ही खौफनाक होते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो किसी भी मुस्लिम महिला की जिंदगी बदल कर रख देते हैं। मुस्लिम समाज में इन तीन शब्दों का इस्तेमाल कई वजहों के चलते किया जा सकता है, या कहें कि असल में किया जाता भी है। किसी भी मुस्लिम महिला के लिए ये किसी सजा से कम नहीं है, सजा भी ऐसी जिसका भुगतान उसे जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। हालांकि अब तीन तलाक और हलाला से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर बेशक आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल खबर हरियाणा के यमुनानगर जिले से सामने आई है, जहां तीन तलाक और हलाला का एक मामला सुर्खियां बटोर रहा है। इस मामले में एक मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया है कि उसके शौहर ने पहले उसे तीन तलाक दे दिया और उसके बाद में अपने ही देवर से अपनी ही बीवी का हलाला करवा दिया। खबर है कि हरियाणा पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। हालांकि अब इस केस को सहारनपुर जिले में ट्रांसफर कर दिया गया है और पुलिस की कार्यवाही इस मामले में जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामला यमुनानगर के थाना सिटी कोतवाली का है। यहाँ एक महिला का निकाह 7 से 8 साल पहले सहारनपुर में हुआ था। इस निकाह से महिला को 2 बच्चे हुए, लेकिन उसके शौहर ने साल 2022 को 3 तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। महिला आरोपी शौहर सहारनपुर के थाना क्षेत्र नई मंडी का रहने वाला बताया जा रहा है। इस मामले पर पीड़िता ने यमुनानगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की और अपने आरोपी शौहर के खिलाफ IPC की धारा 354, 406 और 498 के साथ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑफ मैरिज एक्ट के तहत FIR भी दर्ज कर ली। इस मामले से संबंधित हरियाणा पुलिस ने भी अपना बयान दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। यहाँ की लड़की वहाँ शादीशुदा थी, उसने पहले एक दहेज का पर्चा दर्ज करवाया था दहेज और मुस्लिम एक्ट के तहत, जिसमें उनका कंप्रोमाइज हो गया था और वो लड़की को ले गई थी। वहाँ जाके उसके साथ हलाला के तहत किसी अन्य व्यक्ति से गलत काम किया और फिर उसको रखा और बाद में उस लड़की को फिर निकाल दिया वहाँ से, और उसने हमें कंप्लेंट दी थी जिस पर हमने FIR दर्ज करके सहारनपुर भेजी है मंडी थाने में। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। हलाला और तीन तलाक से जुड़े ऐसी कई खबरें हर दिन सुर्खियां बटोरती हैं। महिलाओं के साथ बर्बरता होती है और हमारे समाज में अभी तक भी इससे जुड़ा कोई समाधान नहीं आ पाया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। VK News, राष्ट्र के नाम।